नमस्कार दोस्तों, एल्गोरिथम के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ब्रांच बाउंड एल्गोरिथम की बात कर रहे थे हम, जिसमें हम आज बात करेंगे 01 नैपसैक प्रॉब्लम की यूजिंग लीस्ट कॉस्ट ब्रांच बाउंड अप्रोच। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांच बाउंड का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके कौन कौन से एल्गोरिथम थे जिससे हम ब्रांच बाउंड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको हमने विथ एग्जाम्पल समझा था। आज हम एक प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं, 01 नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट ब्रांच बाउंड अप्रोच के थ्रू। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत पेशेंस से बहुत आराम से समझिएगा आप, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लिस्ट कॉस्ट का मतलब, जैसा हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लिस्ट कॉस्ट मतलब कि मिनिमम कॉस्ट की बात लेकर चल रहा है, कि सबसे मिनिमम कॉस्ट को हम लेकर चलेंगे। तो एक तरह से अगर लिस्ट कॉस्ट प्रॉब्लम देखें तो ये कर रहा है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व। अगर कोई मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम दे रहा है तो उससे लिस्ट कास्ट अप्रोच से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम जो देखिए क्या करा है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक में प्रॉब्लम में क्या था, नैपसैक प्रॉब्लम एक्चुअली मैक्सिमाइजेशन का था, मतलब कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना था। उस प्रॉब्लम को हम अगर ब्रांच बाउंड के थ्रू लिस्ट कास्ट लेके चलें तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक ही अप्रोच है आपको, कि मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन हम कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करें, सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू आपका 30 है, तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू को, उसको मिनिमम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, -30 अगर हम उसको लिख दें तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इस नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या था, आपको पता ही होगा नैपसैक प्रॉब्लम में, कि आपको कुछ आइटम दिए होंगे, उस आइटम का कुछ वेट होगा, कुछ प्रॉफिट होगा। आपको एक बैग दिया होगा जिसकी कुछ कैपेसिटी होगी, उस आपको आइटम को उस बैग में फिल करना है, जितनी उस बैग की कैपेसिटी है उतना आप मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको गेन क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। 01 का यहाँ मतलब है या तो हम आइटम को पूरा पिक करेंगे या तो पिक नहीं करेंगे, ये 01 आपका बता रहा है। तो चलिए हम एग्जैक्टली समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। देखिए, लिस्ट कॉस्ट एम, जो लिस्ट कॉस्ट का मेथड है उसका एम होता है मिनिमाइजेशन। सो वी टेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज सी एक्स इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिए, माइनस पी आई एक्स आई। अगर हम अभी तक डायनेमिक अप्रोच में या ग्रीडी अप्रोच में देखे थे तो वहाँ पे माइनस सिंबल नहीं लेते थे, यहाँ पे यही जो रिजल्ट होता था यही मैक्सिमाइजेशन का आता था। लेकिन हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे, कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन, तो हम यहाँ पे माइनस सिंबल लगा देंगे, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है उसको माइनस लेकर चल रहे, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाएगा। सब्जेक्ट टू कैसे निकलेगा, जो डब्ल्यू आई एक्स आई होगा, जो भी जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल देखें तो नंबर आप एक्स फोर एलिमेंट है और डब्ल्यू आई एक्स आई लेस देन, अगर हम इस वेट को लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू एम के बराबर होना चाहिए। उसमें से आपको प्रॉफिट गेन करना है पी आई एक्स आई, जितना प्रॉफिट गेन होगा उसी को हम माइनस सिंबल से यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक तरह से फार्मूला इसका हो गया। वैल्यू कैसे हम जो सी एक्स यहाँ वैल्यू निकला, जो सी एक्स यहाँ पे कंप्यूट करेंगे, ये जनरलाइज कहाँ करता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो हमने बताया था आपको जब ब्रांच एंड बाउंड पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, वहाँ पर हमने बताया था कि बाउंडिंग फंक्शन लगाने के दो तरीके हैं, या तो लोअर बाउंड लगा सकते हैं अपर बाउंड। तो लोअर अपर बाउंड होगा क्या, लोअर बाउंड भी एक वैल्यू होगी, जो वैल्यू आपका सी एक्स जो होगा सी एक्स से लेस या उसके इक्वल होगा, ऐसे ही जो सी एक्स की वैल्यू होगा अपर बाउंड से लेस या इक्वल होगा। इसको हम वैल्यू भी कंप्यूट करेंगे फंक्शन जिसके थ्रू निकालेंगे। जनरली यहाँ पर हम अपर बाउंड शो कर, लोअर बाउंड शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सी, और अपर बाउंड यूज करने के लिए हम यूज करते हैं हम यू। इस दो सिंबल के साथ हम आगे चलेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये हम देख ले लोअर अपर बाउंड कंप्यूट कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, जो लोअर बाउंड होता है, पहले हम अपर निकाल लेते हैं। जो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड मतलब समीशन ऑफ पी आई एक्स आई फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन। इसी तरह से लोअर बाउंड जो होता है, लोअर बाउंड अपर बाउंड मीन्स आपका u लेके चल रहे हैं, लोअर बाउंड मीन्स c लेके चल रहे हैं। लोअर बाउंड जो निकलेगा, लोअर बाउंड निकलेगा ये भी होता है यही फार्मूला i इज इक्वल टू वन टू एन पी आई एक्स आई। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इसमें विदाउट फ्रैक्शन लेके चलते हैं। विदाउट फ्रैक्शन मतलब आइटम का कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, उससे जो वैल्यू निकलेगी वो आपका क्या होगा अपर बाउंड, और जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड होगा विथ फ्रैक्शन, जो विथ फ्रैक्शन होगा, विथ फ्रैक्शन, हालांकि विथ फ्रैक्शन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 01 प्रॉब्लम है, लेकिन हम वैल्यू कंप्यूट करेंगे लोअर बाउंड की विथ फ्रैक्शन के साथ, जैसा कि हमने ग्रेडी अप्रोच में किया था। तो इसी को हम इस प्रॉब्लम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम इसका स्टेट स्पेस डायग्राम बनाएंगे
तो सबसे पहला हम नोड वन से स्टार्ट करेंगे। नोड वन ले लिया, अब नोड वन की दो वैल्यू कंप्यूट करनी है मुझे, एक तो यू वैल्यू जिसको हम कहेंगे अपर बाउंड, एक सी जिसको जिसको हम कहेंगे कास्ट। कास्ट इसको कर सकते हैं कास्ट ऑफ नोड या उसका लोअर बाउंड भी कर सकते हैं, तो एक तरह से कास्ट सी मीन्स कास्ट लेकर चलेंगे आप, ज़्यादा बेटर होगा। इस दोनों वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा, अगर देखिए फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बताया कि फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि पी विदाउट फ्रैक्शन, यू मीन्स विदाउट फ्रैक्शन। अगर विदाउट फ्रैक्शन हम देखें तो यू हम कंप्यूट करते हैं, यू कंप्यूट कैसे होगा, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज हमने पहला एलिमेंट लिया x, जब x एलिमेंट लिया, x1 एलिमेंट लिया तो वेट कितना होगा, वेट तो 2 होगा और प्रॉफिट कितना होगा आपका 10। इसी तरह जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो वेट कितना आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 6 वेट पे 20 प्रॉफिट, अभी बैक की कैपेसिटी है। प्लस अगर हम तीसरा वेट लेते हैं 6, तो इसके करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना वेट हो गया 12 हो गया। क्या हम चौथे प्रोडक्ट को ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, क्योंकि लेंगे तो इस एम से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, तो इतना एम रखेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 32। जो 32 वैल्यू है, यही 32 यहाँ पर देखिए वैल्यू यहाँ पर आ रही है, लेकिन हम जब मिनिमाइजेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लेके चलेंगे यहाँ पे -32। यहाँ हमने बताया था आपको माइनस में कंप्यूट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम सी को काउंट करते हैं, सी मतलब विथ फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए सी मतलब विथ फ्रैक्शन। विथ फ्रैक्शन तो चलिए हम करते हैं, पहला एलिमेंट हमने ले लिया 10 + 10 + 12, तो करेस्पॉन्डिंग वेट कितना हो गया 2 + 4 + 6। हमारे बैग में अभी कितना बचा हुआ है स्पेस, फ्रैक्शन में देखें तो 3 का वेट, 3 वेट बचा हुआ है। 3 वेट बचा हुआ मतलब अगर हम इस फार्मूले में ले लें यहाँ पे +9 × 3/9, तो आपका ये तो 15 हो जाएगा। इसी तरह से इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा 18 × 3/9, मतलब यहाँ पे कट जाएगा 2 हो जाएगा 6, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 38 आते हैं यहाँ पे, -38 हमारा क्या हो गया लोअर बाउंड। ठीक है, इस नोड का कंप्यूट हो गया। अब यहाँ पे जब हम चलेंगे, ध्यान दीजिए कि अब हम हर एलिमेंट को एक एक एलिमेंट पिक करेंगे। अब यहाँ पे टोटल इतना आ गया कि अपर बाउंड मैक्सिमम था -32 और लोअर बाउंड या जिसको कास्ट हम लेके चल रहे हैं -38 हो गया। अब पहला एलिमेंट लेते हैं हम x1 और या तो x1 हम लेंगे या तो नहीं लेंगे। अगर x1 लेंगे तो 1, नहीं लेंगे तो x1 = 0। x1 लेते हैं मतलब पहला एलिमेंट इंक्लूडेड है। देखिए पहला एलिमेंट अगर इंक्लूड करें तो ऑलरेडी देखेंगे कि ये जो हमने कंप्यूट किया इसमें पहला एलिमेंट इंक्लूड तो है ना, यहाँ पे पहला एलिमेंट इंक्लूड है x1। तो जब पहला एलिमेंट इंक्लूड है मतलब कि यहाँ पे जो आएगा सेम चीज आएगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा, 32 ही यहाँ पे आएगा, u = -32। और c की वैल्यू भी इतनी आएगी, c = -32 - 38। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट होगा इसका, अगर हम u देखें तो क्या फर्स्ट एलिमेंट नॉट इंक्लूडेड मतलब कि अब u कंप्यूट कीजिए फिर से, फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करना, मतलब हम सेकेंड को इंक्लूड करेंगे 10 प्लस सेकेंड क्लूड करेंगे तो इसका वेट करेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 4 + 6, इसके करेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट इतना हो जाएगा 8, और 9 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या, 4 × 4 = 8 = 9 = 17 ग्रेटर हो जाएगा, मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो टोटल कितना होगा 22 ही तो हो रहा है, मतलब -22। और सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करना है तो मतलब कि अगर हम यहाँ पे 10 + 12 ले रहे हैं, इसके करेस्पॉन्डेंस 4 + 6 था, यहाँ पे 6 है तो कितना 6 × 4 = 10, अभी हमारे पास 5 का वेट का कैपेसिटी बचा हुआ है, 5 कैपेसिटी बचा हुआ मतलब इसके इस बारे में लेंगे तो फ्रैक्शन के थ्रू कितना आ जाएगा 9 × 5/9, इसके करेस्पॉन्डेंस प्रॉफिट में यही फार्मूला लग जाएगा 18 × 5/9, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 10, मतलब कि कितना आ जाएगा 32, तो -32 यहाँ पे आ जाएगा इसकी सी वैल्यू। एक कंपटीशन समझ में आपको आ रहा होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके फिर से देखेंगे, पीछे जाकर तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, या आगे चलते हैं अभी और कैलकुलेशन आएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम देखिए x1 इंक्लूड करते टाइम इस साइड आ गए, अब इसमें देखिए जैसा मैंने बोल रहा था लिस्ट कास्ट मतलब इसी सी को हम कास्ट लेके चल रहे हैं, इन दोनों मिनिमम कौन है, यहाँ पे -38 है, यहाँ -32 है, इन दोनों मिनिमम कौन सा है, ध्यान से अगर हम माइनस में देख रहे हैं तो माइनस मिनिमम तो ही होगा ना, -38 - 32 तो ग्रेटर देन है 38 से, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको हम बाउंड कर लेंगे, इसको हम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
अब यक्स टू देखेंगे, यक्स टू इक्वल टू वन, मतलब यक्स टू को हम इंक्लूड करेंगे या यक्स यक्स टू को इंक्लूड नहीं करेंगे, दो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। अगर यक्स टू को इंक्लूड करते हैं, मतलब यहाँ पे पहुँचने के लिए यक्स वन इंक्लूड हुआ, यक्स टू इंक्लूड हुआ, तो और देखिए अब जो मेन कंपटीशन यहाँ पे था ये वाला देखिएगा, इसमें भी क्या था इंक्लूड, जब ध्यान दें जब इंक्लूड हो रहा है तो सेम वैल्यू यही आती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरह हम इंक्लूड किया था, फर्स्ट इंक्लूड है सेकंड इंक्लूड है, फर्स्ट सेकंड इंक्लूड है, यहाँ पे पहुँच गया सेकंड इंक्लूड है, यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी इंक्लूड है, तो फर्स्ट सेकंड जो इंक्लूड है यही वैल्यू तो कंप्यूट होकर आएगी, तो यहाँ पे यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 32 और सी इक्वल टू माइनस 38। आपको यहाँ पे कंप्यूट करना होगा कि यहाँ पे u इक्वल टू कितना होगा, c इक्वल टू कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंक्लूड हो रहा है, सेकंड इंक्लूड नहीं है, सेकंड इंक्लूड नहीं है तो फार्मूले से कैसे निकालेंगे, देखिए हम u इक्वल टू निकाल रहे हैं, फर्स्ट इंक्लूड है मतलब फर्स्ट इंक्लूड हुआ तो प्रॉफिट 10 और इसके करस्पॉन्डेंस वेट जितना है 2 इंक्लूड हो गया, प्लस सेकेंड इंक्लूड नहीं कर रहा है, सेकेंड इंक्लूड नहीं कर रहा मतलब इसको तो इंक्लूड नहीं कर रहा, इसको इंक्लूड करेगा मतलब 12, इसके करस्पॉन्डेंस वेट कितना है 6। अब क्या इसके बाद इसको ऐड कर सकता है, क्योंकि 9, 6, 2, 8 हो गया, 8 और 9 ग्रेटर हो जाएंगे, कैपेसिटी से ग्रेटर हो जाएंगे, क्योंकि 15 कैपेसिटी है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, जब इसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रॉफिट भी इंक्लूड नहीं होगा, देन हमारे पास कितना बचा 22 ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यू हो गया हो जाएगा माइनस 22। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू भी सिम निकाल लीजिए, सी की वैल्यू मतलब कि हमने यहाँ पे तो इसको ले लिया, आप सी की वैल्यू मतलब फ्रैक्शन देखेंगे, 9 और 6 और 2 8 हो गए हैं, कैपेसिटी कितना बचा 7, 7 की कैपेसिटी भी बचा है, मतलब हम वेट में कर लें 9 × 7/9, ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह से इसके करस्पॉन्डेंस वेट में कर ले 18 × 7/9, तो कितना आ जाएगा हमारा 9, यहाँ 2 हो जाएगा 22 और 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 36। जब यहाँ माइनस 36 हो गया, देखिए इसमें और इसमें मिनिमम कौन सा है, यहाँ माइनस 38 है, यहाँ पे कास्ट कितना है माइनस 36, मिनिमम कौन सा माइनस 38, माइनस 38 है, मतलब इसी को लेके एक्सपेंड हम करेंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान दीजिए किसको अब आएगा, थर्ड आइटम x3 इक्वल टू 1 लेंगे या x3 इक्वल टू 0, या तो थर्ड को इंक्लूड करेंगे या तो थर्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर थर्ड को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ देखिए थर्ड को इंक्लूड करते टाइम यही तो मिला था 32, मतलब सेम होगा, इस अगर इंक्लूड करते चले जा रहे हैं तो जो अपर पेरेंट की वैल्यू है सेम आ जाएगी यहाँ पे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 32। क्यों हो रही है कंप्यूट भी कर सकते हैं आप, देखिए 1, 2, 3 तीनों इंक्लूड हुआ, इस नोड पर पहुँचते जाएंगे तो 1, 2, 3 ये तीनों इंक्लूड होकर यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है विदाउट फ्रैक्शन में, और विथ फ्रैक्शन में कितना आया 38, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 38, क्योंकि c तो विथ फ्रैक्शन यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था। अब विदाउट में देखते हैं x3 इंक्लूड नहीं, मतलब x1 इंक्लूड हुआ, x2 इंक्लूड हुआ, x3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब u इक्वल टू हो जाएगा x1 मतलब कि अगर 10 और इसके करस्पॉन्डेंस वेट कितना है 2 इंक्लूड हुआ, दूसरा सेकंड भी इंक्लूड हो रहा मतलब 10 और इसके करस्पॉन्डेंस वेट कितना है 4 ए भी इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थर्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है तो u वैल्यू कितना आ जाएगा 4 और 2 6 हो रहा है, और 6 हो रहा है मुझे कितना वेट चाहिए 9 वेट चाहिए, 9 यहाँ पे है ऑलरेडी, 9 है मतलब प्लस 9 हम लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, तो विदाउट फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू आ गई 38 यहाँ आ गई और यहाँ तो 15 ही है, तो 38 मतलब माइनस 38 यहाँ पे आ गई यू वैल्यू। सी वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, सी वैल्यू निकालेंगे तो सी वैल्यू ही यही आएगी, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कैपेसिटी फुल हो जा रही है इसी पे, तो फ्रैक्शन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है फ्रैक्शन, तो सी में आ जाएगी -38। तो यहाँ पे देखें तो सी और यू कास्ट और अपर बाउंड दोनों के आगे -38 आ गया है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि अभी तक हम अगर यू वैल्यू देखें, जो अपर बाउंड हमारा आया था अपर हमारा कितना है -32 यहाँ से स्टार्ट किए थे, और किसी नोड पे अगर हम देखें जैसे यहाँ पे तो अपर -22 आया, यहाँ पे अपर क्या -22 है जो कि इस वाले वैल्यू से क्या है ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे देखिए -38 ये वाले जो अपर है इससे क्या है लेस वैल्यू है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे क्या -38 कर लेंगे। अब -38 आ गया, तो इस -38 से बाकी देखिए जितने भी नोड है इस नोड को इस सारे नोड को कंपेयर करें कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट कितनी -32, इसकी कितनी -38, ग्रेटर कौन है, एक ग्रेटर है और ये लेस वैल्यू यहाँ पे, इसको हम कर देंगे किल,
मीन्स बाउंड कर दिया इसको। और यहाँ पे देखिए थर्ड माइनस 36 और माइनस 36 क्या माइनस 38 से ग्रेटर है तो इसको भी हम कर देंगे किल, मीन्स बाउंड कर देंगे इसको, मीन्स फर्दर इसको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी वर्क होगा वहां पे आपका। अब हमारे पास दो लाइव नोड है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहाँ स्क्रीन 38 है, यहाँ पे 38 है, ये दोनों इसके इक्वलिटी आ रहे हैं, मतलब इसी दो को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जब इस दो को एक्सपेंड करने की सोचें तो आप देखिए जब हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे इसको तो इंक्लूड कौन कौन एलिमेंट है, x1 x2 x3 इंक्लूडेड है, मतलब x1 x2 x3 इंक्लूडेड है। क्या x को इंक्लूड हो सकता है, अगर x को इंक्लूड करेंगे तो देखिए कितनी हो जाएगी इसकी कॉस्ट, इसका वेट जो है 15 से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब इस साइड सोल्यूशन फिजिबल नहीं होगा, आपको सोल्यूशन इधर नहीं मिलेगा। तो हम किसको एक्सपेंड करेंगे इसको, मतलब x4 या तो लेंगे या तो फिर x4 नहीं लेंगे। तो अब x4 जीरो, देखिए x4 लेने पे क्या हो रहा है, x4 अगर हम लेते हैं तो x1 x2 x3 नहीं लिया मैंने, x4 यहां पे इंक्लूड कर रहा है, मतलब कैलकुलेट करेंगे u इक्वल टू, तो x1 मतलब कि पहला एलिमेंट हम लेते हैं 10, दूसरा एलिमेंट इसके करेस्पॉन्डेंस वेट कितना हो जाएगा 2, प्लस दूसरा एलिमेंट कौन लिया मैंने 10, इसके करेस्पॉन्डेंस का वेट क्या है 4, x3 मैंने नहीं लिया मतलब कि इस वाले को छोड़ दिया, फोर्थ देखें तो फोर्थ 9 आ सकता है, हाँ ले सकते हैं इसको, मीन्स यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ पे 18 हो जाएगा, टोटल सम कितना आएगा 38 ही आएगा। तो इंक्लूड करते टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस 38, और c अगर देखें कास्ट निकालें तो क्योंकि हमारी कैपेसिटी यहाँ पे 15 फुल हो जा रही है तो सेम वही चीज आएगा यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस 38। अगर हम फोर्थ को नहीं लें, फोर्थ को नहीं लेंगे देन क्या होगा, देखिए फोर्थ नहीं लेंगे मतलब इस वाले एलिमेंट को हटा दीजिए, इस वाले एलिमेंट को हटा देंगे तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, माइनस 20 आएगा। और अगर हम फ्रैक्शन वाले देखें सी वैल्यू, क्योंकि हम फ्रैक्शन यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगा, माइनस 20 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो 30 था तो इसमें चारों एलिमेंट तो यहाँ तक हो गए, यहाँ कितना रहा माइनस 20 और यहाँ पे क्या है 38, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, वैल्यू ग्रेटर है मतलब इस साइड हम नहीं जाएंगे, तो हमारा हो गया मतलब यहाँ फिजिबल नहीं है। तो एक सोल्यूशन यहाँ पे मिला इस साइड, और यही आपका देखें अगर सम देखें x1 x2 और x4, x1 x2 और x4 मिलके हाईएस्ट प्रॉफिट आपको देंगे, कितना देंगे 38। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, यहाँ से x1 हो गया, x1 इंक्लूड होगा, x2 भी 1 है तो x2 इंक्लूड होगा, x3 इंक्लूड नहीं होगा, x3 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन x4 इंक्लूड हो रहा है, x4 इंक्लूड हो रहा है। तो इसको अगर हम फिक्स साइज निकालें तो x1 को 1, x2 को 1, x3 आपका क्या हो गया 0 और x4 को 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 0-1 मैच चेक के प्रॉब्लम का सलूशन इसका आ जाएगा। तो होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा 0-1 मैच चेक प्रॉब्लम का, ऐसे अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैच चेक प्रॉब्लम इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे ब्रांच बाउंड मेथड के थ्रू ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।